कैबिनेट में जो फेरबदल हुआ है उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने को लेकर मनीष सिसोदिया ने सवाल खड़ा किया है और कहा है कि जिसने एम्स के ईमानदार चीफ विजिलेंस ऑफिसर को उसके पद से हटाया उसे स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान आखिर कैसे सौंप दी गई। ये गंभीर सवाल आम आदमी पार्टी की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, क्या सवाल उठा रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। जेपी नड्डा वो शख्स हैं जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय में घोटाले की संभावना को बढ़ाने के लिए ईमानदार अधिकारियों को हटवाने में अहम भूमिका निभाई। हर्षवर्धन जी उनके कदम से कदम मिलाते हुए नजर आए। ऐसे में अब जेपी नड्डा जी को खुद ही कह दिया गया जाओ लूटो, तो अब स्वास्थ्य मंत्रालय में अगर जेपी नड्डा जी जैसे लोग बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि दवाइयां महंगी होंगी, स्वास्थ्य सेवाएं और महंगी होंगी और भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। तो ये आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के जवाब में जेपी नड्डा का क्या कहना है, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह अब जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, मेरे साथ हैं जेपी नड्डा जी। जेपी जी, स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी आप संभालने वाले हैं, आपने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? सबसे पहले तो आपके माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास मेरे पर व्यक्त किया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्होंने जो लक्ष्य तय किए हैं उनको पूरा कर सकूं और इसके लिए पूरा ताकत लगाऊंगा। जहां तक मंत्रालय का सवाल है, मैंने अभी कार्यभार नहीं संभाला है, लेकिन कार्यभार संभालने के बाद अपने प्रेडिसेसर श्री हर्षवर्धन जी से भी बातचीत करूंगा, क्योंकि सरकार एक कंटिन्यूटी में चलती है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों से बातचीत करूंगा और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करने के बाद फिर हम अपने प्रायोरिटी एरिया को तय करेंगे और उसके ऊपर हम कार्य करेंगे। नड्डा जी, तमाम लोग मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो आपने कोई शुभ मुहूर्त निकाला है कि कब आप चार्ज लेंगे? इस प्रकार से तो कोई नहीं निकाला है, लेकिन निश्चित रूप से मैं हमेशा जब भी जिम्मेवारी संभालता हूं तो पहले पार्टी कार्यालय जाता हूं, तो मैं अपने पार्टी कार्यालय जाऊंगा, वहां सभी अधिकारियों से मिलूंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, उनसे प्यार लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के फिर मैं जिम्मेवारी संभालने जाऊंगा। आप जम्मू कश्मीर के भी प्रभारी हैं, वहां चुनाव होने वाले हैं और अब आपको अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, किस तरह से तालमेल करेंगे? क्या लगता नहीं कि वहां मुश्किलें आएंगी, जो समय वहां देना चाहिए अब मंत्रालय की जिम्मेदारी के चलते वहां वो समय कम मिलेगा? दोनों के प्रति न्याय करेंगे, समन्वय करेंगे, ज्यादा समय काम करेंगे और जम्मू कश्मीर की भी जो जिम्मेदारी है वो भी निभाएंगे। और मंत्रालय की दृष्टि से नया मंत्रालय मिला है, इसके नए डायमेंशन हैं, उसको समझने के लिए जितना समय चाहिए होगा वो लगाएंगे। एक आमिर खान है, फिल्म स्टार है, तपेदिक जैसे कार्यक्रमों को वो अपनी तरफ से जन जागरण कर रहे हैं, क्या आपके मंत्रालय की कोई अहम कदम उठाए जाएंगे कि ऐसे फिल्म स्टार्स को आगे लाएं, जिस तरह की जो असाध्य बीमारियां हैं या जो बड़ी तौर पर फैलती जा रही है उनके लिए कुछ किया जाए? सभी लोगों को साथ लेने की कोशिश करेंगे, उसमें बड़े हों छोटे हों सभी लोगों को लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मैं अपने मंत्रालय से बात करूंगा और उनकी क्या योजना है उसको जानने के बाद ही इस पर। एक अहम सवाल और सामने आ रहा है कि आप कह रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से आप मिलने जाएंगे, आपसे पहले उनके पास ये जिम्मेदारी थी, माना ये जा रहा है जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई, कहीं ना कोई कमी रही जिसकी वजह से उनसे वो मंत्रालय लेकर आपको दिया गया। देखिए, इस तरीके की अटकलें बेबुनियाद हैं, हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सबको नई नई जिम्मेवारियां मिलती हैं, समय समय पर मिलती हैं, हम सब लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं, इस तरह की अटकलें लगाना गलत। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, केजरीवाल इस मामले को उठा रहे हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लगे थे उसके बावजूद भी आपको वो जिम्मेदारी दी गई है। आज शुभ दिन में शुभ बातें करें और हमारे को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये अपने आप में उत्तर देता है। बिल्कुल, ये अपने आप में उत्तर देता है। एक अहम बात जेपी नड्डा ने कही है कि जो आरोप लगाए गए हैं, हालांकि उन्होंने पहले इसका जवाब दिया था कि जो संजीव कुमार हैं वो टेक्निकली उस पद के लिए योग्य नहीं थे और अब जो जिम्मेदारी दी गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस साफ तौर पर केजरीवाल को जवाब दे दिया है। कैमरामैन अश्विनी के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया।